हमने तो बुजुर्गों से सुनो के अकबर बादशाह ने कही के बल्कि माने अपनो संदेशा लिख के भेजो के सारी बिरादरी मुझ मिलन लो आ रही है, मुबारकबाद देने आ रही है। तो मेरा सी जैसे बतावा वह तो यह बतावा कि पाटन को जो चौधरी हो ना वालुआ ने लिखो कि भाई मुझसे मिलन आ, तो वाने वा के जवाब में लिखो बतायो कि तू दिल्ली को बादशाह और मैं पाटन को राव, मैं तेरे दिल्ली ना आऊं तो मेरे पाटन मिलने आओ। इन्हें खुददारी रखे ऐसे ही कोई शर्म नहीं खुददार है। हा कि भाई तू दिल्ली को बादशाह है रे, हमने कहा कर दे बासु तू बादशाह रे, लेकिन हम यूं ना हो सके कि हम तेरे पे चल के आवा, ये खुददारी ना। हालांकि मैंने पैगाम भेजो कि भाई मिलन लो आ यार, सारी दुनिया आ रही है मिलन लो तू भी आ, लेकिन मैंने मतलब कि क्या खूबसूरत अंदाज में वाल जवाब दियो कि तू दिल्ली को बादशाह मैं पाटन को राव, मैं तेरी दिल्ली ना आऊं तू मेरी पाटन मिलने आओ। भाई मेरे चौधरी वक्त यहाँ में है कि तू मेरे घर चल के आए, का बादशाह इज्जत बन भी जाते तो हैं। कैसी बात ही। तो बहुत सारा लोग कहे कि यार म्यो राव लिखे हैं या राणा लिखे हैं या, तो ये देखो माला राव गोरवाड़ और वह शायर तो अपनी शायरी में कह रहे भैया या बात कहवा के मेवात के अंदर चूंकि वह टैक्स लेवे है ना, टैक्स मारे लेवे आते हाँ, जब भी कोई ब्याह हैं शादी होवे हो ना तो वह टैक्स उन्हें मुकर्र कर रखू। अच्छा। तो फिर माला राव और इन्हें जो ही ना बाकी मेरे अब याद ना आ रही है कि वो गोरवाल हा, तो उनने कही कि भाई हम तो टैक्स ना दे सा, उनने फिर बाकी एक वहाँ पे कब्जो करो जो बाकी चौकीदार राजधानी था ही ना वहाँ पे कब्जो करो उन्हें, और वहाँ पे अपन झंडा लहराया। तो जब उनने कही कि भाई या तो ये टैक्स से माफ़ कर दे और नहीं तो फिर हम बैठा आई, तो वनु टैक्स जब सू उन्हें कही कि माला राव कांवड़ी लफज इस्तेमाल करो कि कांवड़ी जाना सु टूटी पूरी मेवात की, 12 बावन पाल की कांवड़ी जाना सु टूटी। तो ई मतलब कि उनको एक मुकाम रहो है और उनकी एक स्टेट रही है मेवन की, और उनके इलाका में उन्हें कोई तेरह एक्सेप्ट सौ ही ना करो छब्बीस से अपने लेकर जमाने जी अपने पंद्रह दौर में। सौ 1528 से 29 तक जो है हमारी जी बरल जी जो हमारा बुजुर्ग है ना जी, जी उन्होंने गुलामी ना कबूल करी, उन्होंने जो सो अपनों जो सो ना अपनों बलबूता पे अपनी जिंदगी गुजारी है। उन्होंने बिल्कुल जो है ना भी ये कोई बादशाह कोई ना जे सब को राजा जो भी उन्होंने तस्लीम ना करो। हीर आ रहे हैं हमारे बरादरी जो सी ना थोड़ी सी कमजोर हो गई है, इन्होंने को आपस को भाईचारों जो सो ना इन्होंने इन्हें वो खत्म कर लिया जी आ रही। जब तक हमारो भाईचारो रहो है हर बंदर या चीज माने हुए मेहमान को जो सो भाईचारो और सलूक और प्यार मोहब्बत आपस में बहुत है। जब सो हमारा जो खत्म हो ना जी बस वो पीछे हम जो सा लोग हैं ना ये हर चीज पीछे हटता शुरू हो गए। हम तलीम में हर चीज में हम आगे जा रहे हैं, मुलाजमत में हम आगे जा रहे हैं, पर एक भाईचारा से हम बहुत पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल यह जो सो ना भी अब हमारे सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे एक भाईचारा की, आपस को प्यार की, प्यार मोहब्बत की। हम आपस में ही एक दूसरा ने जो सा भी नीचे दिखाना शुरू कर देंगे असल में देखो हकीकत से तो हम नजर ना चुरा सका, नचरा से। हम लाख पॉजिटिव पॉजिटिव करता रहे हैं हमें कोई शक ना है, लेकिन आप यह देखो कि जब माइग्रेट करके ही ना आया तो बहुत सारा भाई तो बहुत बाद में आया लेट आया, उनने आते ही अपना भाई उन रकबो बांट के दे दियो तकसीम कर दियो, लेकिन आगे से उनकी औलाद ने कहा करो उन्होंने रास्ता भी ना दिया, तो वह को रद्देमल तो आनो हूँ। आनो जी ये जो हमारा मसाइल जो आज मसाइल है ना, ये पहले पंजाबी कहवा जी जब हम काई की बात करें ना उनके वो शरीका है, ये कहवा लफज शरीका है, उस शरीका को अब पता लगो हमने कि शरीका काई सु कहवाएगी, वो शरीका अब हमारी कौम में बढ़ गो और उया शक्कर में बढ़ गो के अब उनने किला का किला बांट के दे दिया उन लोग और उनकी औलाद आगे से उन लोग रास्ता भी ना दे रही, सर तो ई शरीका है।